स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत आप कई सारे लेजर्स क्रिएट करते हैं और उन लेजर्स को लेकर एंट्रीज भी करते हैं, यानी उन लेजर्स को आप यूज करते हैं। लेकिन कुछ लेजर आप ऐसे भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपने क्रिएट तो कर लिए, लेकिन उन लेजर्स को लेकर आपने कोई भी एंट्रीज नहीं की हैं, यानी उन लेजर्स को आपने यूज नहीं किया है। तो ऐसे जो अनयूज्ड लेजर्स हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे, एक साथ कैसे देखेंगे, और जो अनयूज्ड लेजर हैं जिनको आपने आज तक कभी भी यूज नहीं किया है और आगे भी आप उनको यूज नहीं करने वाले हैं, तो इन सारे के सारे अनयूज्ड लेजर को आप एक साथ डिलीट कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसी तरह से आप अपनी कंपनी के अंतर्गत कई सारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं और उन स्टॉक आइटम्स को लेकर एंट्रीज करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक आइटम ऐसे भी क्रिएट करते हैं जिनको लेकर आप कोई भी एंट्रीज नहीं करते, यानी उनको कभी भी यूज नहीं करते। तो ऐसे जो आपके अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हैं उनको आप एक साथ कैसे देखेंगे, और जो अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हैं उनको आगे भी आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो उनको एक साथ कैसे डिलीट करेंगे, ये भी आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद आपको लेजर्स के बारे में इस तरह से जानकारी लेना है, तो अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको लेजर्स को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने यहाँ से लेजर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपियर हो गई, और यहाँ पर साइड में बटन वार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा एग्जेप्शन रिपोर्ट्स। तो एग्जेप्शन रिपोर्ट्स लिखा हुआ जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, या कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। तो एग्जेप्शन रिपोर्ट्स लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप ऐसा करेंगे, आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा लिस्ट ऑफ एग्जेप्शन रिपोर्ट्स के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन सो अनयूज्ड, आपको इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने सो अनयूज्ड को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर कुछ लेजर आ गए लिस्ट ऑफ लेजर्स में, है ना, और ये वो लेजर हैं जिनको कि मैंने क्रिएट तो कर लिया था लेकिन इनको कभी भी मैंने यूज नहीं किया। इसके अलावा ये भी होगा दोस्तों कि कुछ लेजर हैं जो कि आपने क्रिएट किए और उनको यूज भी कर लिया, और यूज करने के बाद में आपने उसी से रिलेटेड एक और लेजर क्रिएट किया और इस लेजर की एंट्री उस लेजर में ट्रांसफर कर दी, तो ये लेजर आपका ब्लैंक हो गया, तो वो लेजर भी आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक साथ सारे के सारे अनयूज्ड लेजर दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर और अनयूज्ड, है ना। अब ये जितने सारे लेजर थे जो कि अनयूज्ड हैं, जिनको मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है और आगे भी मैं इनको यूज नहीं करूंगा, एंट्री करने में मुझे ये प्रॉब्लम देते हैं, तो एक साथ यदि आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं, और इनमें से कुछ लेजर आप रखना चाहते हैं और कुछ को डिलीट करना चाहते हैं तो एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं। जब आप एक एक करके डिलीट करना चाहें, है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 लेजर हमको मिल रहे हैं और इसमें से 3 लेजर हमें डिलीट करना है, 3 रखना है, आगे हम उनको यूज कर सकते हैं ना, तो एक एक करके आपको डिलीट करना है, तो किसी भी लेजर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर अजीत जैन नेम से लेजर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर आपको नीचे डिलीट का बटन मिलेगा, है ना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ डी प्रेस करिए कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अल्ट के साथ डी प्रेस कर देता हूँ और यस करने के लिए वाई को प्रेस कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। तो एक एक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, और आप एक साथ सारे के सारे लेजर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कीजिए। मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दी तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, है ना, सारे के सारे लेजर सिलेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ पर अल्ट के साथ डी प्रेस करना है और यस करने के लिए वाई प्रेस कर देना है, तो ये सारे के सारे लेजर जो थे अनयूज्ड वो आपके यहाँ से हट गए। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी ऐसे लेजर हैं जो कि आपने बना तो लिए, क्रिएट तो कर लिए लेकिन उनको कभी यूज नहीं किया है, तो ऐसे अनयूज्ड जो लेजर है वो आप एक साथ देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया, और एक एक करके या एक साथ उनको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जानते हैं स्टॉक आइटम के बारे में, स्टॉक आइटम्स हैं और उन अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हमें देखने हैं और एक साथ उनको डिलीट करना है या एक एक करके डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से भी दोस्तों आपको क्या करना हो, इसके लिए भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ही जाना होगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और स्टॉक आइटम्स के बारे में हमें जानकारी लेना है, तो यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आएंगे और स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स हमारे सामने इस तरह से आ गए। जितने भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखे होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे, 100, 200, 500 जितने आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे वो सारे के सारे आपको इस जगह पर दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से साइड में बटन बार है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर एग्जेप्शन रिपोर्ट्स लिखे हुए बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने एग्जेप्शन रिपोर्ट्स लिखे हुए बटन पर क्लिक किया
और यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर आने के बाद फिर हमको यही करना है, लिस्ट ऑफ एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में से सो अनयूज्ड को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है, क्योंकि हमें अनयूज्ड स्टॉक आइटम देखने हैं। तो सो अनयूज्ड को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए तीन स्टॉक आइटम्स यहाँ पर आ गए जो कि अनयूज्ड हैं, जिनको कि मैंने आज तक कभी भी यूज नहीं किया, क्रिएट तो कर लिया था, आज तक कभी भी यूज नहीं किया और आगे भी इनको यूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ से इनको डिलीट कर सकता हूँ, है ना। इसके अलावा जो लेजर में अप्लाई हुआ था वो यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई होगा। आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट किया और इस स्टॉक आइटम को लेकर कभी भी कोई भी एंट्री नहीं की, तो वो आपके अनयूज्ड स्टॉक आइटम होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया और इस स्टॉक आइटम की सारी एंट्री उस स्टॉक आइटम में ट्रांसफर कर दी, तो वो स्टॉक आइटम आपका ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, वो भी आपको इस लिस्ट में दिखाई दे जाएगा, ना। यहाँ पर भी वही करना है आपको, एक एक करके यदि करना है तो एक एक करके आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगरबत्ती हमारा स्टॉक आइटम है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए डिलीट का बटन यहाँ पर मिल रहा है ना, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और यस करने के लिए यस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हट गया यहाँ से। और एक साथ सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को आपको यहाँ से हटाना है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस करके सारे स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कीजिए, अल्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए और यस करने के लिए वाई प्रेस कर दीजिए, तो ये यहाँ से सारे के सारे स्टॉक आइटम्स जो अनयूज्ड थे वो आपके यहाँ से हट गए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।